कर्नाटक का सियासी नाटक थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले महीने कर्नाटक की कुमार स्वामी सरकार को बचाने गिराने का लंबा खेल चला, तब तो सरकार बच गई, लेकिन अब एक बार फिर कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस सरकार पर तलवार लटकती दिख रही है। कल कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन कांग्रेस के 9 विधायकों ने गच्चा दे दिया। जेडीएस को समर्थन देकर सरकार चला रही कांग्रेस के लिए कम बड़ी फजीहत नहीं थी। कांग्रेस के विधायक तब सदन से गायब रहे जबकि खुद विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने व्हिप जारी कर रखा था। कांग्रेस के 9 विधायकों की गैर हाजिरी पर बीजेपी ने यह कहकर विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया कि सरकार के पास बहुमत ही नहीं है। आपको पता है कि कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायकों ने अपने विधायक दल की बैठक में साफ कह दिया था कि वो कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं करते। कुमार स्वामी कैबिनेट में भी उठापटक चल रही है। पिछले 5-6 महीने में कर्नाटक में विकास का कोई काम नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि उसके बागी विधायकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 18 जनवरी को जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी तब 4 विधायक गायब रहे थे। इन्हें चेतावनी भी दी गई लेकिन जब कल बजट सत्र की शुरुआत हुई तो इन 4 के अलावा 5 और विधायक सदन से गायब रहे। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटी हुई है। हालांकि लगे हाथ कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारे पास बहुमत है। बीजेपी हताशा में है और कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बेचैन है। हमारे पास पूरा बहुमत है, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो लाकर दिखाएं। Are you ready to face it, sir? Let them try. पिछले महीने जब कुमार स्वामी सरकार पर खतरे की तलवार लटकी थी तब कांग्रेस अपने विधायकों को एक बस में भरकर बेंगलुरु के पास रिजॉर्ट में लेकर चली गई थी। तब कांग्रेस के 4 विधायक मुंबई में बीजेपी के संपर्क में थे, तो वहीं बीजेपी अपने सभी विधायकों को गुरुग्राम के पास एक होटल में रोके हुए थी। उस वक्त तो कांग्रेस ने जैसे तैसे सरकार बचा लिया, लेकिन अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस के कई विधायक जेडीएस नेता कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं हैं। संभावना है आज सूखे के प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका प्रदान करने। इससे कुमार स्वामी बेहद आहत भी हैं। पिछले महीने उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा भी था कि कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं और अगर ऐसी हरकतें जारी रही तो वो सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे। अगर इस तरह की हरकतें कांग्रेस विधायक करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के नेताओं को इस बारे में विचार करना चाहिए और अपने विधायकों को काबू में रखना चाहिए। कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। पिछले साल मई में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तभी से कर्नाटक में सियासी नाटक और उठापटक शुरू हो गई थी। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में 104 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से 9 सीटों से दूर रह गई। बीजेपी ने सरकार भी बनाई लेकिन बहुमत न होने की वजह से विश्वास मत से पहले ही बी एस येदियुरप्पा की सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया। उधर बीजेपी को रोकने के लिए 80 विधायकों वाली कांग्रेस ने 37 विधायकों वाली जेडीएस को समर्थन दे दिया। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास कुल 117 विधायक हैं जो बहुमत से 4 ही ज्यादा हैं। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस में बगावत छिड़ गई है और 9 विधायक बजट सत्र के पहले ही दिन गायब रहे, उससे कर्नाटक विधानसभा की स्थिति बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ये 9 कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस की ताकत 80 से घटकर 71 हो जाएगी और कर्नाटक में सदस्यों की संख्या 215 आ जाएगी। अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो कांग्रेस और जेडीएस के कुल विधायक 108 रह जाएंगे, जो बहुमत के नए आंकड़े के बराबर है। लेकिन अगर कांग्रेस के बागी विधायकों की तादाद बढ़ी तो सरकार पर संकट गहराना तय है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने बागियों को मनाकर सरकार बचाए रख पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।